मैं चाहती थी कि एसपी साहब भी सुनते आपको, क्योंकि जो मैं बोलने चाहती थी आपने सब कुछ बोल दिया, उसी में आपने सारी हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दे दी। मैं ये कहना चाहूँगी बच्चियों के लिए खासतौर पर 181 हमेशा याद रखें, क्योंकि 1090 अभी इस समय थोड़ा सा काम नहीं कर रही है, अभी थोड़ा सा रुका हुआ है, बाद में वो एक्टिव हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए 181 आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। और बच्चों से रिलेटेड आपको हेल्पलाइन नंबर पता है, चाइल्ड लाइन का नंबर पता है आपको? नहीं पता है, चाइल्ड लाइन का नंबर 1098। तो बच्चों से रिलेटेड कोई भी गलत चीज हो रही है तो वो आप उसको चाइल्ड लाइन को कॉल करके आप उनको सूचित कर सकते हैं। और मैं ये चाहूंगी स्कूल के प्रिंसिपल साहब से ये चाहूंगी कि यहाँ पे संबंधित थाने का भी नंबर लिख दिया जाए और इम्पोर्टेंट हेल्पलाइन नंबर्स लिख दी जाए, ताकि बच्चे उसको देख के उसको कभी भी प्रॉब्लम में आए तो कॉल कर सके। और आप लोगों ने इतना अच्छा बोला इसमें पुलिस वालों के लिए कि किस तरीके से वो मेहनत करते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं जा पाते हैं घर, और घर को भी उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है पुलिस वालों के लिए कि वो घर को बिल्कुल देख ही नहीं पाते, बच्चे भी निग्लेक्ट हो जाते हैं उनके। तो मैं बस इतनी आपसे आग्रह करूंगी कि आप सभी पुलिस का साथ दीजिए, पुलिस से डरने की कोई बात नहीं है, कितने लोग डरते हैं पुलिस से यहाँ पे,